हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। गाइस, आज का ये वीडियो होने वाला है सभी बैट्समैन के लिए। गाइस, वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि गाइस मैं आपको दो ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आज बैटिंग के बारे में, जिससे गाइस आपकी बैटिंग में 100% इम्प्रूव होगा और मैच में आप गाइस रन भी करने लगेंगे। यंगस्टर गाइस क्या होता है कि मैच में रन क्यों नहीं करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आप मैच में जाके रन बड़े बड़े रन कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो गाइस बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखना। और गाइस, जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली और भी वीडियोज आप तक के पहुँचती रहे। और गाइस, अभी यूट्यूब पर नया चैनल है, आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप लोग लाइक कमेंट करते हैं तो गाइस उससे कॉन्फिडेंस आता है। चलिए गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे पॉइंट्स जिससे गाइस आपकी बैटिंग में काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और गाइस आप मैच में रन भी करने लगेंगे। गाइस, होता क्या है, यंगस्टर कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे उनको रन निकालने आने चाहिए, कैसे उनको छोटी छोटी इनिंग को बड़ी बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना चाहिए। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है, आपको अपने स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने देश के लिए अगर क्रिकेट खेलनी, तो गाइस आपको बड़ी बड़ी इनिंग का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि गाइस, जब आप छोटी छोटी इनिंग को बड़ी बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो गाइस आपको लोग पहचानने लगेंगे, क्योंकि गाइस आपको सोशल मीडिया का सहारा अच्छा खासा मिल जाएगा, पेपर्स में आपका नाम आने लगेगा, लोग आपको पहचानने लगेंगे कि हाँ, फला प्लेयर कोई है जो रन बना रहा है। इसलिए गाइस बहुत ही ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी छोटी छोटी इनिंग है 25-30 रनों की, इनको बड़ी इनिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दो ऐसे पॉइंट्स गाइस जो कि बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है, इसलिए गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो ही गाइस आप समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले गाइस, होता क्या है, जो यंगस्टर होते हैं जब वो बैटिंग करने जाते हैं तो उनका प्लान नहीं होता है। सबसे पहले आपको प्लान सेट करना है, आपको माइंड इतना स्ट्रांग रखना है, जब आप बैटिंग करने ग्राउंड पर जाएंगे तो गाइस आपको इतना स्ट्रांग होना है कि कोई भी बॉलर बॉल डाल रहा हो, आपको बॉलर के सामने अपने आप को हल्का महसूस नहीं करना है, वीक यानी कमज़ोर महसूस नहीं करना है। क्योंकि गाइस, अगर वहाँ पे अच्छा बॉलर बॉल डाल रहा होगा, तो अगर आप अच्छे होंगे गाइस, तो ही पॉसिबल है कि आप छोटी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप बॉलर का प्रेशर लेके बैटिंग कर रहे होंगे तो गाइस आप प्रेशर में आ जाएंगे, जिसकी वजह से गाइस आप छोटी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और गाइस आप आउट हो जाएंगे। पहली चीज़ गाइस ये है कि जब आप बैटिंग करने जाएंगे तो आपको पहले से ही बाहर प्री प्लान होकर जाना है। अगर गाइस 50 ओवर्स का गेम है तो आपके माइंड में चीज़ होनी चाहिए कि मुझे कम से कम 50 ओवर्स के गेम में 80 से 90 बॉलें खेलना है। अगर गाइस आप 80 से 90 या 100 बॉल खेलने को देखेंगे तो गाइस आप किसी भी टफ से टफ कंडीशन में आप गाइस 80 से 90 रन की इनिंग आसानी से खेल सकते हैं। बट अगर आप जाते ही खराब शॉट खेलना स्टार्ट कर देंगे और कोई प्लान करके बाहर से नहीं जाएंगे और गाइस आप जाके विकेट की कंडीशन को नहीं समझेंगे और वहाँ पे जा गाइस एक ऐसा शॉट खेल देंगे, एक ऐसी बॉल को चूज़ कर लेंगे जिसकी वजह से गाइस आपका विकेट थ्रो हो जाएगा और आप आउट हो जाएंगे, और गाइस जो आपकी छोटी इनिंग है वो हमेशा छोटी ही रह जाएगी, बड़ी इनिंग में उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सेकंड चीज़ गाइस क्या है कि जब आप बैटिंग करते हैं, मैंने पहले आपको बताया कि पहले जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ प्री प्लान होकर जाना है। सेकंड चीज़ गाइस क्या है कि आपको जो फील्डिंग लगी हुई होती है उसका सहारा आप कैसे लेते हैं, कैसे वहाँ से आप रन्स निकालते हैं। होता गाइस क्या है कि जब आप स्टार्टिंग में बैटिंग करने जाते हैं तो बहुत सारे फील्डर क्लोज आ जाते हैं, आप अक्सर देखते हैं कवर्स वाला फील्डर भी ऊपर आ जाता है, गली भी ऊपर आ जाती है, पॉइंट भी ऊपर आ जाती है, स्लिप लगी हुई होती है, मिड विकेट लगा हुआ होता है, तो इन फील्डर से गाइस अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखना होता है। गाइस अगर आप एक भी मिस शॉट करेंगे, आप एक भी शॉट गलत खेलने जाएंगे तो आपका विकेट जा सकता है। इसीलिए गाइस बहुत ही ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि बॉलर कैसे बॉल डाल रहा है और क्या फील्डिंग लगी हुई है। अगर आपको लग रहा है कि फील्डर बहुत ज़्यादा अटैक करने को देख रहे हैं तो आपको वहाँ पर नर्वस नहीं होना है, आपको वहाँ पर परेशान नहीं होना है, आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है। जितना फोकस आप उस जगह पर करके ले जाएंगे, धीरे धीरे जब आप 10 से 12 15 20 बॉलें खेल लेंगे तो जो फील्डिंग गाइस बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई है, ये पीछे होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे गाइस आपको अब थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगेगा और अपने आप को आप कंफर्ट जोन में ला सकते हैं। क्योंकि गाइस जब फील्डिंग बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है, अगर एक भी शॉट आप इधर उधर खेलने जाएंगे तो टॉप एज लग के, इनसाइड एज लग के फील्डर के हाथ में बॉल जा सकता है। इसीलिए गाइस बहुत ही ज़रूरी है जब फील्डर बहुत ज़्यादा अटैक करने को देख रहे हो, अगर आपकी बैटिंग का स्टार्ट है तो आपको एकदम गाइस बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा आपको धैर्य के साथ खेलने की कोशिश करनी है। बट
अगर आपकी इनिंग बिल्ट हो गई है, आप 30-40 रन पे खेल रहे हैं और वहाँ पे फील्डर अटैक करने को देख रहा है, तो गाइस यहाँ पे अब आपको रन बनाने को देखना है। क्योंकि गाइस अगर फील्डर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब आप बॉल को अच्छे से देख पा रहे हैं और अब आप अपने शॉट्स खेल सकते हैं जहाँ पर आप रन बना सकते हैं। स्टार्टिंग में गाइस अगर आप जा रहे हैं, फील्डिंग बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो आपको सिर्फ फोकस रखना है। बट अगर आपने 30-40 रन की इनिंग खेल ली है, अभी आप बैटिंग कर रहे हैं और फील्डर बहुत ज़्यादा अटैक करने को देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको आउट करने को देख रहे हैं, तो यहाँ पे गाइस आपको करना क्या है, अब आपको थोड़ा सा अटैकिंग बैटिंग करनी है। आपको कोशिश करनी है जो फील्डर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, थोड़ा से 2 दिन अच्छे शॉट्स मार के इन फील्डर को दूर किया जाए ताकि आप इस इनिंग को और अच्छा इनिंग बना सकें। तो गाइस ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जिससे गाइस आप अपने छोटे छोटे इनिंग को बड़ी बड़ी इनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।